फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक हम फिर से एनालाइज करेंगे तीन मेजर करेंसी पेयर में और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में हो और हमें इस वीक में किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो दोस्तों देखिए, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। कंटिन्यू मार्केट कहीं ना कहीं एक हाई एंड हायर लो लगाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे हमें एक सपोर्ट एरिया भी देखने को मिल रहा है जिसपे मार्केट अभी रिस्पेक्ट किया है। कौन सा सपोर्ट है तो देखिए, मैं यहाँ से आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा। काफी शानदार सा ये हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, काफी शानदार सा सपोर्ट है। देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का यहाँ से प्रीवियस टाइम भी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद मार्केट ने फॉल कर दिया। फॉल करने के बाद अगेन मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। देखिए रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू बाय में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हमें सपोर्ट को देखते हुए अपनी ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए? नो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लिए चाहिए कुछ और कंफर्मेशन। किस तरीके से हम ले सकते हैं? देखिए हमारा मैन होता है फिबोनाची का लेवल्स, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो हमें फिबोनाची को यहाँ पे मार्क करना चाहिए और फिबोनाची के लेवल्स को चेक करना चाहिए, कौन सा लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब फिबोनाची किस तरीके से मार्क करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम देखिए एक स्विंग देखेंगे। तो ये वाला हमें लो देखने को मिल रहा है एंड ये वाला हाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से इंस्टेंट यहाँ से बाय में रैली किया है। ठीक है, तो ये वाला लो एंड ये वाला हाई पकड़ लेना है और सिंपल फिबोनाची को मार्क कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाना चाहूंगा। लो से पकड़ेंगे, हाई तक मार्क कर देंगे फिबोनाची को, लो टू हाई। जैसे हम फिबोनाची को मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक लेवल निकल के आता है जो कि काफी शानदार सा लेवल है, 0.5% का लेवल, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और जैसा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया भी है। देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास आया, ग्रीन कैंडल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा सा लेवल है और इस लेवल के आसपास हमें बाय का सेटअप ही देखना चाहिए। अब टारगेट प्रॉफिट की बात करें, हम किस लेवल के आसपास रख सकते हैं टारगेट प्रॉफिट के लिए? यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला कहीं ना कहीं हमारा एक माइनस रेजिस्टेंस एरिया, काफी शानदार सा रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल है? तो यहाँ पे पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है जो हमें मार्क करना है चाहिए। कौन सा है? 1.09664 एंड 1.09290 का ये हमें पूरा एक एरिया मार्क करना है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब ट्रेड किस तरीके से प्लान करना चाहिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए, सबसे पहले तो मार्केट अगर थोड़ा और डाउनफॉल कर देना हमारे सपोर्ट के आसपास अगेन आ जाए, इसके बाद यहाँ से अगर बाय का सेटअप देखने को मिले ना, काफी शानदार हो जाएगा हमारा टारगेट इस लेवल के आसपास, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, और यहाँ से हम बहुत सारे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले और यहीं से फॉल करना स्टार्ट करे, तो यहाँ से अगर हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो फिर यहाँ से हम सेल डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला हमारा सपोर्ट काफी अच्छा है, इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमें एक आसान सा सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में, एकदम इजी एनालाइज है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको एनालाइज पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। चलिए अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। अभी फ्रेंड्स देखिए, जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू एक हायर लो लगाने में इंटरेस्टेड है। हायर हाई लगा, हायर लो, अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई बना? ठीक है, क्योंकि ये हायर लो बना चुका है, तो यहाँ से हमें क्या देखना चाहिए? बाय का सेटअप देखना चाहिए। ये एक सपोर्ट के आसपास भी है। कैसे सपोर्ट के आसपास है? चलिए यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा। ये वाला एरिया मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है सपोर्ट के लिए। देखिए प्रीवियस टाइम की अगर बात करें तो यहाँ से जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट लिया, ठीक है, फॉल किया, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर
फिर से मार्केट ने फॉल कर दिया। फिर देखिएगा मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं किया, रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने फॉल किया, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद यहां से देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, यहां पे मार्केट अगेन कहीं ना कहीं सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहां से कहीं ना कहीं बाहर में जाए, ठीक है। तो यहां पे बहुत अच्छा सा हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अगर आप फिबोनाची का कंफर्मेशन लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया यहां पे हमें पकड़ना होता है ये लो एंड ये वाला हाई, ठीक है, ये पूरा एक स्विंग यहां पे यहीं से मार्केट गया ना इंस्टेंट, तो ये पूरा एक स्विंग हो गया, तो ये लो एंड ये वाला हाई हमें मार्क कर लेना है। देखिए मैं मार्क करके आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप देखेंगे यहां पे कोई ना कोई एक शानदार सा लेवल आपको देखने को मिलेगा फिबोनाची का। देखिए कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, यहां पे 0.5% का यानी मिडिल एरिया देखने को मिल रहा है, काफी शानदार सा लेवल है। मार्केट थोड़ा बहुत और भी फॉल कर सकता है, इस लेवल के आसपास आने देंगे हमारे इस लेवल के आसपास, देखिए इस लेवल के आसपास मिल जाए बहुत शानदार रहेगा, 1.26500 के आसपास अगर मिल जाना तो बहुत शानदार सा यहां से हमें बाय का सेटअप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टारगेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करें, किस लेवल का टारगेट प्रॉफिट यहां पे दे, तो टारगेट प्रॉफिट के लिए जो प्रीवियस मार्केट का हाई है इस लेवल का हम आसानी से अपना टारगेट प्रॉफिट यहां पे दे सकते हैं। देखिए यहां पे लिक्विडिटी भी अभी पेंडिंग है, तो इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट प्रॉफिट यहां पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा एक सेटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो एक अप ट्रेंड है, तो यहां पे हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ ही चलना ना, जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा हमें ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी चलना, तो यहां पे हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, तो यहां पे हमें बाय का सेटअप ही देखना चाहिए। इस तरीके से GBPUSD करेंसी पेयर में हमें एक आसान सा यहां से एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, जिस एरिया को हमें कुछ इस तरीके से मार्क करना है, पूरा एरिया मार्क करना है। अब इस एरिया के आसपास जैसे ही मार्केट आता है यहां पे टाइम स्पेंड करता है, मार्केट हमें बाय का सेटअप दिखाता है, तो यहां से हमें बाय ट्रेड प्लान करना चाहिए इस लेवल के आसपास, जो प्रीवियस मार्केट का हाई है यहां तक अपना इजीली टारगेट देना चाहिए। आई होप समझ पाए होंगे आप GBPUSD में हमें इस वीक में किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए और किस लेवल पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर को। अभी देखिए फ्रेंड्स यहां से हम देखते हैं USD JPY का ट्रेंड, तो आपको एक हैवी अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट ने यहां पे किस तरीके से ट्रेड किया है, यहां पे अभी ये वाला कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक हैवी अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू यहां से एक हायर हाई लगाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो यहां पे हमें किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हम यहां पे एनालाइज करेंगे, तो देखिए यहां पे बढ़ते हुए मार्केट में ऐसे तो हम रेंडमली तो ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते ना, रेंडमली यहां से बाय नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा एक पुल बैक के लिए। अब यहां पे अभी मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए एक डीपर पुल बैक दिया नहीं है, तो एक डीपर पुल बैक यहां पे पेंडिंग है, हो सकता है मैं भी यहां पे मार्केट इस लेवल के आसपास आए, ध्यान दीजिए इस लेवल के आसपास काफी अच्छा सा हमारा ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, काफी अच्छा सा एरिया है, अगर इस लेवल के आसपास भी आ जाता ना फ्रेंड्स बहुत शानदार सा हमें टारगेट देखने को मिलेगा बेहतरीन, यहां पे हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास मार्केट आए, फिर हम यहां से बाय का सेटअप देख सकते, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रीवियस जो मार्केट का हाई है ना ये वाला हाई, तो यहां तक तो हम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहां से रेंडमली ऐसे बाय नहीं करना, डायरेक्टली बाय नहीं करना है, एक डीपर पुल बैक के लिए यहां से हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास, तो ये सपोर्ट हमें मार्क कर लेना चाहिए। इस सपोर्ट को मार्केट ने प्रीवियस टाइम होल्ड किया, टाइम स्पेंड किया है यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फॉल करे हमारे इस लेवल के आसपास, फिर मार्केट यहां से हमें बाय में देखना। अब ये लेवल कौन सा है, तो ये पूरा एक एरिया है यहां पे हमें देखने को मिल रहा है 142.339 एंड 141.626 का ये पूरा एरिया हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट के लिए, ठीक है, ये पूरा एज ए सपोर्ट यहां पे हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से यहां से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए और जैसे ही हमारे सपोर्ट के आसपास आता फिर यहां से हमें बाय का सेटअप देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल के लिए तो देखिए यहां से इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तभी आप यहां से सेल वगैरह करें, इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो यहां से आप सेल वगैरह करें। अब टारगेट प्रॉफिट किस लेवल का रखें, तो टारगेट प्रॉफिट के लिए फिर ये वाला नेक्स्ट हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलता है जिसको मार्केट ने यहां पे देखिए रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस लिया है प्रीवियस टाइम इस लेवल को, तो इस लेवल को मार्केट अगेन सपोर्ट ले सकता है। काफी अच्छा सा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से होल्ड किया है। अगर इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया ना, तो इस लेवल के आसपास तो हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां तक भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला मार्केट यहां पे एक डीपर पुल बैक लगाना चाहिए, वो अभी पेंडिंग है, तो यहां तक भी लगा सकता है। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट ये है हमारा और सेकंड सपोर्ट ये वाला है। लेवल है 140.500 का। ठीक है, ये सपोर्ट काफी अच्छा है, इस लेवल के आसपास आप यहाँ पे मार कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमें एक आसान सा सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपी बात करेंसी पेयर में। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में हमें इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।